सभी भाइयों को नमस्कार, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल सनसनीवाल डेयरी फार्म पर। सामने देखिए खचाखच भरा हुआ डेयरी फार्म और काफ़ी सारी भैंसे खड़ी हैं, पीछे काफ़ी सारे जो बच्चे हैं लगभग 2 से 5 या 7 दिन के ही होंगे। तो ये देखिए जो बच्चे हैं उनसे पीछे भी काफ़ी सारे भाई खड़े हैं, किरोड़ी गाँव के ही हैं, कुछ दाएँ बाएँ से भी आए होंगे। और पूना ये भैंसे जा रही हैं, जो पूना से आए हुए हैं भाई साहब वो भी इधर ही है, उनसे भी मैं बात कराऊंगा। काफ़ी सारी भीड़ जो है वो आप देख पा रहे हैं, काफ़ी सारे भाई जो हैं वो खड़े हैं, भाई साहब से बात करेंगे, इन भैंसों के बारे में पूछेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। तो क्या नाम है भाई साहब अपना? मेरा विकास शर्मा। विकास शर्मा भाई साहब कितने एक सालों से कर रहे हो बिक्री का काम? साल से 30 साल से कर रहे हैं चेंज में, पहले फादर करते रहे, अब मैं कर रहे हैं। अच्छा 30 साल से काम है। तो ये कितनी भैंसे कहाँ पूना भेज रहे हो? हाँ जी 11 भैंसे पूना जाएंगे। अच्छा नए ग्राहक है के पुराने हैं? ये ग्राहक बहुत पुराने हैं जी। अच्छा पुराने हैं। तो पहले एक बार भैंस देख ले फिर बाबूजी से बात करेंगे। किधर से दिखाएंगे? उधर से? एक नंबर से दिखाएंगे। एक नंबर से दूसरी साइड से दिखाएंगे। खोल के दिखाओ भाई, बताओ भाई साहब कितना दूध है और कितने की बेची है, मेरे नजदीक आ जाओ। तो एक नंबर पे देखिए काफी बड़ी जोटी है भाई साहब, आगे आ जाओ शर्मा जी। अच्छा किससे खाली हुई है? ठीक है कितने दूध वाली है? ये पहले ने गांव से लिया है, 17 लीटर दूध दिया था। ठीक है दे देगी 20 किलो? 20+ देगी। कितने की बेची है? यह 1,80,000 की ली गाँव किरोड़ी से। किरोड़ी गाँव से ही ली है 1,80,000 रूपए की। जसवंत बहादू। तो ये देखिए जी काफी लंबी ऊंची जोटी है, खीस से खाली हो चुकी है और किसी भी भैंस को जहाँ तक अब तक मैंने देखी है कोई टाइम नहीं लगा हुआ है, साफ सुथरी जोटी, 6 दांत मुंह से भाई साहब कह रहे हैं खीस से खाली हुई है। 1,80,000 रुपए की जो है ये जोटी खरीदी है, बहुत ही सुंदर है। इससे आगे देखिए 2 नंबर पे भाई साहब कौन से ब्यांत की है? ये तीसरे ब्यांत की है जी। तीसरे ब्यांत की। ये कितने दूध वाली है? ये 24 लीटर की दूध की भैंस है जी। 24 लीटर की। अभी कितने दिन की ब्याई में कितना दूध? अभी ये 51 भैंस है। अच्छा 51 है, ठीक है। कितने की बेची है? या 1,65,000 की। 1,00,000 खूंटे से दुआई है। अच्छा जमींदार के घर से आई? जमींदार के घर से, राममेर से ली, बिचपड़ी से। राममेर बिचपड़ी से लिया 1,65,000 रूपए की। देखिए माथे में वाइट निशान जरूर है लेकिन 2 भैंसों के बराबर जो है भैंस का वजन है और भाई साहब का कहना है कि 24-25 किलो दूध दे देगी। कितने दिन बाकी हैं ब्याने के? ब्याने के लगेगी अभी 4 या 5 दिन। 4-5 दिन लेगी। आगे वाली ये सेकंड ब्यांत की जोटी है, दूसरे ब्यांत की। कितने दूध है इसमें? अभी 14 लीटर दूध है भैंस की। 14 अभी मौके पे तैयार है। कितने दिन की ब्याई में? ये अभी होगी 5 दिन की ब्याई। 5 दिन की ब्याई में 14 लीटर दूध है। और कितने की बेची है भाई साहब? ये बेची है 1,55,000 की। 1,55,000 की। देखिए बॉडी वेट देखिए भैंसों का, काफी बड़ी बड़ी भैंसे हैं। इससे आगे 4 नंबर पे जो भैंस है शर्मा जी बताओ इसके बारे में। ये भी तीसरे ब्यांत की है। तीसरे ब्यांत की। कितना दूध है अभी? 16 लीटर तैयार दूध है भैंस की। 16 लीटर मौके पे तैयार है। कितने दिन की ब्याई में 16 लीटर? 6 दिन की ब्याई है। 6 दिन की ब्याई में। और कितने की बेची है ये? या बेची है 1,52,000 की। 1,52,000 की बेची है। देखिए बरवाड़ा जो एरिया है वो जाना जाता है साफ सुथरी भैंसों के लिए और लंबी ऊंची बहुत भैंसे मिलती हैं और ये भैंस भी जो है काफ़ी लंबी ऊंची है। सारी की सारी भैंसे ही काफ़ी बड़ी बड़ी दिखाई दे रहे हैं। देखिए पीछे वाली भी जो जोटियाँ हैं भैंसे हैं वो भी काफ़ी बड़ी बड़ी और ये भी काफ़ी अच्छी। ये आगे वाली भाई साहब कौन से ब्यांत की है? ये सेकंड ब्यांत की। सेकंड ब्यांत की है। और कितना दूध है इसमें? अभी 12 लीटर है। कितने दिन की ब्याई में? 4 दिन की ब्याई। 4 दिन की। ये कितने की बेची है? ये श्यामसुख से ली है 1,40,000 रुपए की, अमर सिंह जानी से। अच्छा 1,40,000 रुपए की ली है। देखिए बिल्कुल छोटे सिंह की 4 दिन की ब्याई है। एक भैंस के नीचे भी आप ऐसा नहीं देख पा रहे होगे कोई थड़ों पे आई हुई है या टाइम लगा हुआ है। कितने बजे दूध निकाला है सुबह इनका? सुबह 10 बजे खाली हो गया है सभी भैंस। 10 बजे खाली होके आई है, 6 बजे का अभी टाइम है तो अभी तो इसी हिसाब से 4 घंटे टाइम और बाकी है इनका है। ये गया भी नया ब्याई हुई पहले ले आओ इधर ले आओ। कितने दांत है भाई साहब? 2 दांत की कटी है। 2 दांत है, ब्याई हुई है। कितना दूध है इसमें? दूध अभी 12 लीटर तैयार दूध। कितने दिन की ब्याई में? ये अभी को हफ्ते की ब्याई होगी, 8 दिन की ब्याई। 8 दिन की ब्याई में 12 लीटर दूध और मुंह से 2 दांत। कितने की बेची है भाई साहब? ये 1,75,000 की बेची। 1,75,000 रुपए की बेची है। देखिए बहुत ही सुंदर है ये भी जोटी और कोई भी पहले ब्यांत की जोटी जो है लगभग 1 महीना चाहिए उसको अपना जो पूरा पीक है उस पे आने में और नीचे से जो अडर की बनावट है जो खुलने की क्षमता है वो लगभग 1 महीना उसको चाहिए। वैसे सुंदर काफ़ी है जोटी ऊपर से जब देखते हैं तो। आगे वाली भाई साहब ये भैंस
कौन से ब्यांत की है? ये तीसरे ब्यांत की। तीसरे ब्यांत, थोड़ा ऊंचा बोलो। तीसरे ब्यांत की, ठीक है। कितना दूध है इसमें? दूध अभी ये खीस में, खीस में है। कितना दे देगी? दूध देगी 20 लीटर। 20 लीटर दे देगी? 20 लीटर खुला देगी। अच्छा, कितने की बेची है? एक इधर से ली, कृष्ण से। अच्छा, 1,45,000। 1,45,000 रुपए की, जहाँ से इन्होंने वैसे खरीदी हैं, उन भाइयों के भी नाम जो है साथ साथ भाई साहब बता रहे हैं, 1,40,000 रुपए की खरीदी है। 20 लीटर दूध की भैंस है, बहुत ही साफ सुथरी, ये देखिए। और इससे आगे फिर बंद हो जी, इससे आगे फिर ये वाली भैंस भाई साहब, ये जेवरा गांव से, बूढ़ा से, जेवरा गांव से ली है। कितना दूध है इसमें? 17 लीटर तैयार दूध, 17 मौके पे तैयार है, और 20+ देगी। ये कितने की ली है? या 1,51,000। 1,51,000 रुपए की खरीदी है। देखिए, बहुत ही शानदार पशुधन है। पीछे की तरफ जैसे ही मैं कैमरा घुमाता हूँ, आप क्वालिटी देखिए भैंसों की, बड़ा अच्छा लग रहा है वीडियो बनाते हुए भी। छोटी छोटी भैंसे नहीं है, काफ़ी बड़ी बड़ी भैंसे। इधर ले लो, ये देखिए, 1,51,000 रुपये की 20 लीटर की भैंस है, जो पूना में जहाँ भी जा रही हैं उनके पास मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा सिलेक्शन है भाई साहब का, और काफ़ी बड़ी बड़ी साफ सुथरी भैंसे खरीदी हैं। जेवरा गांव में क्या कर रहे थे जी? ये बूढ़ा के नाम से भी है, जोगिंदर नाम, वैसे बूढ़ा बोलते हैं उसको। अच्छा अच्छा, जोगिंदर से आई है, ठीक है। अच्छा, घर की भैंस है, ठीक है। 1,51,000 रुपए की बहुत ही साफ सुथरी, थनों की क्वालिटी देखिए। और 4 घंटे, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि अभी टाइम भी बाकी है, 10 बजे जो है खाली होके वैसे आई हैं। अब ये नहीं कह सकता मैं, पीछे तो बैठा नहीं था, कि भाई साहब ने 10 बजे चोई है कि 7 बजे 8 बजे। क्यों भाई साहब, ये बताओ, खीस से खाली है? हाँ। कितना दूध दे देगी? दे देगी 15 लीटर देगी। 15 लीटर, ये कितने की बेची है? या 1,22,000। 1,22,000 की बेची है, 15 लीटर दूध दे देगी। देखिए, लगभग जो पहले दूसरे नंबर वाली भैंस है उनके बराबर भैंस, लेकिन भाई साहब ने इसको बताया कि 15 लीटर की, बिल्कुल देसी से अपने आम जो पशुपालक होता है वो काम भाई का, और जितने दूध वाली है उतना ही बता रहे हैं। और दो भैंसे और बाकी रहती हैं, खड़ी खड़ी बता दो भाई साहब, ये कितने दूध वाली है? ये 12-13 लीटर दूध की भैंस। 12-13 की, कितने की दी है? या दी है 1,14,000। 1,14,000 की 12-13 लीटर वाली है। से ली, सुरेंद्र से लिया से, 18 लीटर दूध की भैंस बोल रही। अच्छा, ये कितने दूध, कितने की खरीदी है? या 1,36,000। 1,36,000 की, बस बंद ही रहने दो। जो पूना से आए हुए हैं बाबू जी, उनको बुलाओ। बाबू जी नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है सर अपना? अपना नाम अशोक हरगुड़े। तो गांव कौन सा है, जिला कौन सा है? गांव कृष्णन, तालुका हवेली, जिला पुणे। जिला पुणे, और गांव कृष्णन। ठीक है ठीक है। तो पहले भी लेके गए हो भाई साहब से भैंस? कई साल, 10 साल से इधर से ही भैंस लेके जाते हैं। अच्छा, कैसी है वैसे इनकी भैंस? एक नंबर की रहती है। अच्छा, कितने टाइम चुवाई की है? वो 4 दिन चुवाई की है। 4 दिन चुवाई की, 8 टाइम हो गए। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो क्या कुछ कोई समस्या इधर किसी तरह की, हरियाणा में रहती हो? इधर की भैंस हमारी इधर बहुत दूध देती है। अच्छा, पानी भी अच्छा है आपके उधर शायद? हाँ, सब अच्छा है। ठीक है ठीक है। और कितना पशु रखते हो आप उधर? अपने पास 50-60 भैंस है। अच्छा, क्या रेट में जाता है दूध? दूध जाता है 60 रुपये। अच्छा, बचत आ जाती है? हाँ, आती है ना। तुड़ी का जो ड्राई फोडर का रेट है, हमारे जैसा महंगा है या सस्ता है उधर? सब जगह महंगा से। सब जगह महंगा है? अच्छा, फिर तो मुश्किल हो रहा है डेयरी फार्म चलाना। वो है, फिर हमको आदत है ना, इसलिए हम ये करता है। अच्छा, दूध का रेट बढ़ा दो। दूध का रेट तो बढ़ाने का है, फिर बढ़ नहीं सकता ना। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ जी, डॉक्टर का इंट्रोडक्शन ले ले। हाँ जी, किधर है डॉक्टर साहब? एक बुल और दिखाते हैं जी, जो कि खोल के ले आओ भाई इसको बाहर। ये भाई, आ बेचना है या घर रखना है? अच्छा, कितने किलो दूध वाली का है? दूसरे ब्यांत में 17-18 किलो दूध वाला, ठीक है। कितनी उम्र होगी इसकी छोटे भाई? अच्छा, दांतों से ही मिल गया। 5 साल का हो गया? सवा चार साल। अच्छा, अभी मिला है, 4.25 साल का हो चुका है। इसका बाप कौन है, फादर कौन है? M29 का बेटा है। कहाँ से लेके आए थे सीमन? ये डॉक्टर साहब रहे हमारे मासिम गांव के। अच्छा, बाहर ले आओ।
तो ये देखिए जी, काफ़ी अच्छा बुल M29 का भाई साहब बता रहे हैं, बिल्कुल छोटे सिंह का, लंबाई ऊंचाई काफ़ी बढ़िया। कोई मेले में भी लेके गए हो भाई? नहीं, मेले में नहीं लेके गए, गांव में नेचुरल मैटिंग करवाते हो क्या? सीमन तैयार करवा रखा है। कहाँ से करवाया है? करनाल से। कितने का सीमन बेच रहे हो? 200 रुपये का, ठीक है। अच्छा, बच्चे अच्छे आए हुए हैं, देखिए जी। अच्छा, कौन सा है, इसको बांध के दिखाओ एक बार। काफ़ी शानदार बुल है भाई साहब का, नंबर भी मैं पूछूंगा। जो भाई सीमन लेना चाहता है वो संपर्क कर सकता है भाई साहब से। तो 200 रुपये में सीमन जो है इसका दे रहे हैं। तो दूध पे तो कटड़ियाँ अभी नहीं आएंगी, आगे आएंगी हैं। क्या नंबर है छोटे भाई आपका? मेरा 9786-20900। ठीक है, ठीक है। तो भाई साहब आपका नंबर कोई डेयरी का बताओ, जो कोई कोई भाई भैंस लेना चाहे तो। 9985-95-875-71-125 97-13-88-202 ठीक है जी। ये दो नंबर हैं, जो भाई भैंस लेना चाहता है वो संपर्क कर सकता है। काफ़ी शानदार भैंसे हैं, लंबी लंबी ऊंची ऊंची। तो डेयरी वाले भाई के नंबर तो लगातार ही वीडियो में चलते रहे। कैसी लगी वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताना, जो भी भाई जुड़े हैं लास्ट तक। और कटड़ा, अच्छा कटड़ा रह गया दिखाना। अच्छा, इसी भैंस कटड़ा तो काफ़ी बढ़िया आया भाई, इस जोटी का दूसरे ब्याह तो काफ़ी छोटा भाई, देखिए काफ़ी बड़ा कटड़ा आया है और बिल्कुल काले रंग का है। ये देखो जी, बहुत बढ़िया भाई, बंद हो भाई, बहुत ही बढ़िया। तो ये देखिए जी, कैसी लगी वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। जो भी भाई जुड़े हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबको मेरी तरफ से नमस्कार।